जब मेरा मांस नीचे आया तो ये लोग मुझको उतार करके फेंक देंगे, वो भी जल्दी फ्लाइट से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अचानक आना पड़ा मुंबई, एंड वाइल कमिंग बैक मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि व्लॉग बड़ा नहीं है, बट मैंने क्या क्या फेस किया ये मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। तो आर यू ऑल रेडी? आइए। हाय गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोड पर खड़े होकर के क्या कर रही हूँ। तो मामला ये है कि अभी हमारा एक्चुअली अचानक पैकअप हो गया, तो हम देहरादून एयरपोर्ट जा रहे थे। हमारे साथ है नीलम दीदी, आप इनको बहुत अच्छे से जानते ही हैं, और विक्रांत जी भी है। हाँ, तो हम रोड पर खड़े इसके लिए हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो हो गई है ख़राब। ख़राब हुई तो हुई, हम गाड़ी में बैठे थे और अचानक से कुछ ऐसे ब्लास्ट उड़ा, तो हम डर गए हैं, डरे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि चल कर ही चल जाए क्या? कुछ भी लेट्स सी क्या होता है। बट ये इस रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, और ये देखिए पता नहीं क्या चालू है। एंड सी देयर ही देयर ऑन माय ब्लॉग। ओके, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, रोड पर कर रहे हैं। अचानक से ब्लास्ट हुआ, सो यू नो व्हाट यू आर सेइंग। मैंने बोला कि हम चल कर ही जाते हैं देहरादून एयरपोर्ट। यस, हाँ, ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा। हम सब ऑलमोस्ट वर्कआउट करते ही हैं, तो ये हमारे लिए वर्क पूरी में है। ऐसा नहीं है कि ये दिखा सकते हो, देखो ये दिखा दे सी। अब हमारे गुनाहगार है जो बोले हैं कि आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंचा देंगे। अब हम उड़कर जाएंगे कि चलकर जाएंगे कि दौड़कर जाएंगे, यही लैंड कराएंगे मुंबई। फाइनली वेट कर करके हमारी गाड़ी तो ठीक हो गई, बट हमारी एसी खराब हो गई। फ्लाइट, तो अभी अभी हम फ्लाइट में बैठे हैं, और अभी अभी स्पेशल अनाउंसमेंट आया कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसे फ्लाइट से उतार दिया जाएगा। यही शब्द थे ना? जी नहीं, वेट, आई विल शो यू क्या था। जिन किसी ने मास्क नहीं पहना होगा तो चलती प्लेन से उतार देंगे। Bro, what are you talking about, man? ऐसा उनका मीनिंग है, क्योंकि अभी तो हम लोग बैठ गए हैं, तो मास्क मैंने नहीं पहना, मैं देखने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे साथ ये हादसा हो। पर अभी उतार देंगे तो समझ में आता है और मुझे कुछ डाउट हो रहा है, इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया है कि सभी कर्मचारी उतर जाएं। क्यों? इनके जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा बोर्डिंग कंप्लीटेड, अब प्लेन उड़ने के लिए तैयार है, तो आप सब उतर जाइए। इन्होंने बकायदा ये शब्द कहा है, और मुझे यू नो मैंने मिस किया वो कैप्चर करना, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चले। तो यार हम मुंबई कैसे जाएंगे? तो यहाँ मुझे लगा कि फिर से कुछ नया होने वाला है, और जो मैंने सोचा वो हुआ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैंने इतना इन्जॉय किया कि क्या बताऊँ मैं आपको। बार भाई साहब बस यही मिस्टेक कर रहे थे कि हम बोर्डिंग के लिए तैयार हैं, कृपया सारे यात्री उतर जाएं। वो मिस किया यार, पर अब अगर मेरा मास्क नीचे आया तो ये लोग मुझको उतार करके फेंक देंगे, वो भी जल्दी फ्लाइट से। आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। तो यही एक छोटा नहीं, वो पूरा दिन मुझे बहुत कुछ
झेलना पड़ा, बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ी, बट मज़ा आया ये। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूँ और वो आप लोगों के लिए शूट कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, कीप वॉचिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ निधिजा ऑफिशियल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।